तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लैप जोन इन कॉलम व्हाइल लैप जोन इन सेंटर ऑफ हाइट ऑफ कॉलम, यानी कि जो कॉलम की बार्स का लैप जोन होता है वो कॉलम के सेंटर में क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, व्हाई व्हाट इज़ द रोल ऑफ हुक्स इन स्ट्रिप, यानी कि ये जो हुक है इसका रोल क्या होता है, इसको हम क्यों देते हैं, और व्हाट इज़ द कॉलम ओरिएंटेशन इन बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो कॉलम की ओरिएंटेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल रखनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और इन सब चीज़ों का फैक्टर सिर्फ एक ही है, यानी कि इन सारी चीज़ों का जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से है, वो हमारा सिस्मिक लोड, यानी कि भूकंप का लोड और प्लस विंड लोड, यानी कि जो विंड का जो लोड है बिल्डिंग के ऊपर, तो उससे सारा कनेक्शन है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे तो ये चीज़ें आपके जो भी डाउट हैं वो इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे हम पहले समझ लेते हैं लैप जोन किस एरिया में हमारा आता है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है सॉफिट ऑफ बीम, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये सॉफिट ऑफ बीम है, ये टिपिकल स्लैब लेवल, यानी कि ये हमारी स्लैब है, ये बीम का बॉटम है और ये हमारी नीचे वाली स्लैब है। तो हमारा जो एरिया है वो हमारा हो गया इफेक्टिव एरिया, ये है। अब हम इस एरिया को क्या करते हैं, सपोज मैं इसे एच आई मान लेता हूँ, जो कि हमारा ये एच आई ली हुई है, इसको क्या करते हैं हम जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे ये जोन को एच वाई फोर, यहाँ लिखा हुआ है नो लैप जोन, यानी कि इस हाइट का जो एच वाई फोर है, यानी कि ये हमारा नो लैप जोन है, कहाँ से, बीम के बॉटम से और ये टॉप की स्लैब से। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ये बीम के स्लैब से नहीं होता, ये हमारा बीम के बॉटम से होता है, ठीक है। इसके बाद में एच वाई फोर हम क्या करते हैं, नीचे से छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये वाला, ये हमारा सबसे ज़्यादा टेंसाइल जोन होता है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो इस एरिया को छोड़ के हम लैप जोन कहाँ देते हैं, इस एरिया में देते हैं, जो सेंटर का एरिया जो रेस्ट बचा हुआ है इसमें हम लैप दे देते हैं। तो लैप के लिए हम क्या करते हैं कि लैप हमें अल्टरनेट देना होता है, और उसके लिए भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है टू बी लैप्ड नॉट मोर देन 50% एट वन सेक्शन, यानी कि अगर कॉलम का अगर मैं सेक्शन यहाँ काटूंगा तो सारे लैप इसी पॉइंट पे नहीं आएंगे, ये अल्टरनेट आने चाहिए, यानी 50% यहाँ पे 50% यहाँ पे, यानी कि अगर इस कॉलम में 16 बार हैं तो 8 लैप यहाँ पे आएंगे और 8 यहाँ पे आएंगे, और उन दोनों लैपों का जो सेंटर है अकॉर्डिंग टू आई एस 456 देखो थे तो 1.3 होना चाहिए, इसमें देखो क्लियर लिख दिया होगा 0.3 विच एवर इज़ मोर, यानी कि इन इसके स्लैब ये जो लैप जॉइन के बॉटम का और इसका जो गैप है ये हमें 300 mm रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि लैप जोन इन कॉलम है वो हमारा जो ये कॉन्फिनिंग जोन, यानी कि ये जो एरिया होता है ना हमारा एच वाई फोर वाला, ये होता है कॉन्फिनिंग जोन, इसको हम टेक्निकली कॉन्फिनिंग जोन बोलते हैं, जिसमें हम लैप नहीं देते हैं। तो ये हमें पता चल गया। अब हम इस एरिया में ही लैप जोन क्यों देते हैं, ये होता है सिस्मिक लोड की वजह से, जिसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि इस बिल्डिंग के प्लान को ध्यान से देखिए, ये हमारी बीम्स हैं और ये ब्लैक डॉटेड में हमारे कॉलम है, ठीक है, और ये इसका हमारा एक एलिवेशन प्लान है। सपोज हमारा अर्थक्वेक आया जो कि इस डायरेक्शन में आता है, तो हमारी बिल्डिंग क्या करेगी, इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब वो जाएगी तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला, यानी कि बिल्डिंग का ये वाला जो फेस है वो इस तरह मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, जिससे कि इस एरिया में हमारा टेंसाइल जोन बढ़ जाएगा, और ये जो हमारी स्लैब एंड बीम्स हैं, स्लैब एंड बीम्स, ये क्या है कि ये इस डायरेक्शन में इस पर लोड डालना स्टार्ट कर देंगी। किस एरिया से, जो बीम और स्लैब का जो जंक्शन एरिया होगा वो इस कॉलम के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड डालना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कॉलम का जो सपोर्ट है, जो जंक्शन है, वो इस बीम और स्लैब के एरिया से बंधा हुआ है। यानी कि अगर ये हमारा कॉलम है और तो बीम इसको अंदर की डायरेक्शन से लोड डालना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जंक्शन में हमारा टेंशन जोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इस बीम और स्लैब की वजह से, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में लोड डालना स्टार्ट करेंगे। जब हमारा अर्थक्वेक रुकेगा तो ये बिल्डिंग हमारी इस डायरेक्शन में फिर जाने लगेगी, वापस आएगी अपनी उसी पोजीशन में, इस डायरेक्शन में,
तो उससे क्या होगा कि इस डायरेक्शन में भी हमारा लोड काम करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि किस साइड से लोड अप्लाई हो रहा है, तो वो लोड कौन सा अप्लाई हो रहा है, इस जंक्शन पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, और बाकी का एरिया हमारा क्या है, वैकेंट है। अब जैसे आप इसमें देखोगे, ये हमारी स्लैब है, ये बीम है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस डायरेक्शन में काम करेगा, और इस एरिया में हमारा कुछ भी नहीं है। तो अगर सबसे मैक्सिमम लोड इस जगह पर है, तो धीमे धीमे क्या होगा कि जो टेंसाइल जोन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, तो जो सेंटर में आके हमारा मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो यही रीज़न होता है कि जो हम लैप जोन है इस एरिया में देने से बचते हैं, और जो स्ट्रिप्स को बढ़ा देते हैं स्टील को, क्योंकि स्टील की टेंसाइल के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ स्ट्रिप्स भी ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस एरिया में कोई भी मेंबर या सपोर्ट नहीं होती है, जिससे एरिया वैकेंट रहता है। तो टेंसाइल जोन यहाँ हमारा कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। क्यों होता है? वो स्लैब और बीम के जंक्शन पॉइंट की वजह से, क्योंकि लोड इस डायरेक्शन में इन पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर यहाँ हमारा लैप जोन होगा, तो वो क्या होगा कि वो खुल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट की ओर, कि हम ये हुक क्यों प्रोवाइड करते हैं। इसका सेम रीजन है हमारा सिस्मिक लोड से ही, वो मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट है, इसका मेन रीजन है यही अर्थक्वेक, यानी कि अगर जो हम किसी भी रिंग में, यानी कि ये वाली जो हुक हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका मेन रीजन होता है अर्थक्वेक के लोड से बचना, यानी कि कॉलम को फेल्योर होने से रोकना। क्यों? क्योंकि अगर सपोज हमने कॉलम को स्ट्रिप हमने अंदर नहीं बेंड की, और इसी डायरेक्शन में बाहर ले जाके हमने ऐसे ही उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा कि जब ये हमारा जो टेंसाइल जोन है, यानी कि जब कॉलम पे काम करेगा, तो वो रोइंग हमारी इस तरीके से खुल जाएगी आउटर फेस में, क्योंकि कवर में इतनी वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि कंक्रीट हमारी स्ट्रेंथ में मजबूत होती है, ना कि टेंसाइल में। तो उस केस में क्या होगा, इस रिंग को मोड़ के हम अंदर ले आते हैं, कि जिससे ये कंक्रीट के लोड से ये दब जाए। जब ये हमारा लोड डायरेक्शन में, जब ये लोड हमारे इस पर काम करें, तो ये रिंग हमारी कवर को तोड़ के ऐसे खुले नहीं। तो ये अगर अंदर दबी रहेगी, तो हमारी ये रिंग क्या होगी कि लोड आने पर, किसी भी प्रकार का विंड लोड या अर्थक्विक लोड आने पर, ये नहीं खुलेगी, क्योंकि ये अंदर दबी हुई है। तो जब रिंग फेल्योर नहीं होगी, तो कॉलम हमारी अपनी पोजीशन में बना रहेगा। अगर एक बार अगर ये रिंग खुल गई, जैसा कि अगर हमने हुक अंदर नहीं मोड़ा, तो कॉलम फेल्योर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे, कि हुक को हमेशा कॉलम को अंदर की तरफ मोड़ना है, और ये हर एक सीयर वॉल में मैंडेटरी होती है। ठीक है, और इसका एक रीज़न और होता है कि सपोज जैसे हमें, अगर ये हमारी बार्स हैं और ये हमें जैसे स्ट्रिप्स बांधनी है, तो कभी भी इस स्ट्रिप्स की लोकेशन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी। यानी कि अगर एक पहली स्ट्रिप हमने ये वाली अगर इस डायरेक्शन में डाली है, तो ये दूसरी वाली स्ट्रिप की जो हुक है, वो पोजीशन इसके उल्टा आएगी, यानी कि इस तरफ आएगी। ठीक है, तीसरी इस तरफ आएगी, चौथी इस तरफ आएगी, पाँचवीं इस तरफ आएगी, और छठवीं इस तरफ आएगी, क्योंकि लोड हमारा इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो दोनों चीज़ों से एक दूसरे को आपस में बांधे रखेगी, और कॉलम को फेल्योर नहीं होने देगी। और जो कि कंक्रीट हम देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और स्टील होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो ये एक नोट करने वाली चीज़ है, अगर आप साइट पे एजुकेशन करा रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रूर मैंडेटरी करना है, देखना है आपको, कि रिंग के जो हुक्स हैं, वो कभी भी एक ही सेम डायरेक्शन में ना जाएं, एक दूसरे के अल्टरनेट में अपोजिट रहें। ठीक है गाइस, तो तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये हुक्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, अर्थक्वेक लोड और प्लस विंड लोड। ठीक है, लैप जोन हमारे सेंटर की हाइट में क्यों होता है, सेम रीजन है, अर्थक्वेक लोड और प्लस विंड लोड। चौथा है हमारा, व्हाट इज कॉलम ओरिएंटेशन इन बिल्डिंग, ये भी हमारा सेम रीजन है, मेन फोर्स होता है हमारा इसमें सीयर फोर्स की वजह से। ठीक है, उसको थोड़ा टेक्निकली समझेंगे और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको अभी बताता हूँ।
तो कॉलम ओरिएंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी शियर वॉल या कॉलम में शियर फोर्स कैसे काम करता है। सपोज एक मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। एक हमारा ये बिल्डिंग का प्लान है जिसमें ये एक कॉलम का लेआउट है जिसमें ये शियर वॉल्स हैं, ठीक है। एक कॉलम सेम कॉलम का लेआउट है ये, इसमें एक हमारी ये शियर वॉल्स हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में ही लॉन्गिट्यूडनल में, यानी कि बिल्डिंग की पोजीशन है हमारी लॉन्गिट्यूडनल और सीवा दे दी मैंने लॉन्गिट्यूडनल। ये हमारा बिल्डिंग की ओरिएंटेशन है लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन इसमें ये हमने दे दी हॉरिजॉन्टल। अब समझेंगे इससे, अगर हमारा कोई भी लोड या इस साइड में इस डायरेक्शन में काम करेगा जिसका एरिया जो है हमारा नीचे का बहुत कम है, तो यानी कि ये वॉल अगर ज़रा सा भी अर्थक्वेक आएगा या कोई भी ज़्यादा विंड लोड आएगा तो ये इस साइड में हमारी गिर जाएगी। अब सेम इसी में समझो आप, यही शियर वॉल को अगर मैं इसी डायरेक्शन में रख दूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में लोड लगाऊँ तो ये इस एरिया में इसका जो बॉटम का जो एम्बेडेड एरिया है यानी कि जो फिक्स्ड एरिया है वो ज़्यादा है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये इसको जल्दी से नहीं पलट पाएगी, चाहे वो अर्थक्विक का केस हो और चाहे वो विंड लोड का प्रेशर हो। सेम इसी में समझेंगे, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, जब इस डायरेक्शन में इस पे विंड लोड इस एरिया पे सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में ज़्यादा आएगा तो उसको कौन रोकेगा, जो शियर वॉल है यानी कि ये जो मैंने अभी समझाया आपको, ये सेम उस पे इस पे काम करेगा, तो यानी कि इस बिल्डिंग को इस डायरेक्शन में गिरने से इसको रोकेगी। सेम अगर इस वाली पोजीशन में मैं अगर यही शियर वॉल बनाने को इसमें बना दूं, इसमें डिजाइन भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब इस डायरेक्शन में ये विंड लोड काम करेगा तो ये सारी शियर वॉल फेल हो जाएंगे, तो बिल्डिंग इस डायरेक्शन में ये गिर जाएगी। तो ये होती है हमारी कॉलम ओरिएंटेशन, यानी कि अगर हमारा ये एरिया ज़्यादा है यानी कि ये लेंथ हमारी अगर ज़्यादा है तो हमेशा शियर वॉल इस डायरेक्शन में डिजाइन की जाएंगी। अगर ये, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में जैसे विंड लोड या अर्थक्वेक हमारा आता है तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारा पहले से ही ज़्यादा है, वो उसको सेम इसी अकॉर्डिंग इसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसकी लेंथ जो है बिल्डिंग की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है कॉलम ओरिएंटेशन, जो कि इस बिल्डिंग के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट केस में होना चाहिए शियर वॉल को रोकने के लिए। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक बिल्डिंग का प्लान दिखा देता हूँ। ये एक बिल्डिंग का प्लान है हमारा, ये है बिल्डिंग G+31, यानी कि 31 मंजिल की बिल्डिंग है और इसका डायरेक्शन हमारी ये है। तो इसमें केस में देखेंगे ये सारी शियर वॉल्स इस डायरेक्शन में डाली गई हैं, ये सारी शियर वॉल्स हैं, इसीलिए डाली गई कि अगर अर्थक्वेक आए और बिल्डिंग इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो ये शियर वॉल्स का जो बॉटम एरिया है एम्बेडेड एरिया वो ज़्यादा है, तो यानी कि ये इस टाइप से जैसे ये मूवमेंट करेगी तो ये चीज़ इसको रोक लेंगे। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में अगर मान लो इस डिजाइन कर देंगे तो ये 31 मंजिल की बिल्डिंग ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी तो ये सारी शियर वॉल टूट जाएंगी और बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। और अगर अर्थक्वेक इस डायरेक्शन से आएगा तो हमारी बिल्डिंग की लेंथ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि बिल्डिंग यानी कि इस डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका फ्लोर प्लेट एरिया ज़्यादा है। फ्लोर प्लेट एरिया हमारा है इस डायरेक्शन में कम, तो शियर वॉल हमेशा इस डायरेक्शन में ही डाली जाएंगी। जैसे कि एक हमारा और छोटा सा प्लान है, ये हमारा ये है, इसमें G+8 की बिल्डिंग है, तो उसमें भी देखेंगे ये शियर वॉल्स इस डायरेक्शन में डाली गई हैं। तो ये होता है हमारा कॉलम ओरिएंटेशन, जो भी डिजाइन होता है ये हमारा अर्थक्वेक लोड और विंड प्रेशर लोड की वजह से होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कितने सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमारे मेन फैक्ट्स हैं एक अर्थक्वेक लोड के लिए, वो सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर।